शीट नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 22 फिर से स्टार्ट। क्वेश्चन देखा लगता है अभी जो किया वो यही क्वेश्चन था। अब आप समझ पा रहे होंगे हम ये क्वेश्चन क्यों रोके बैठे हुए थे, काफी लंबी स्टोरी थी सुनने के लिए। अब ये समझ में आया कैसे होगा। नेक्स्ट क्यू क्यू चार्ज लो सब सीरीज में, किरचॉफ लॉ घुमा दो। कितने का हो गया? देखो इसमें ऐसे करते हैं, सबसे पहले ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है और ये प्लस है, तो बड़ी बैटरी कौन है? 24 है, तो ये माइनस है तो ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस हो जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है, इसके अंदर जब आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो क्योंकि सीरीज में है तो चार्ज तो इसके ऊपर भी क्यू है, इसके ऊपर भी क्यू हो जाएगा। चलो ए से स्टार्ट होके वापस ए पे वापस आते हैं, तो माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस 12, माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4×10⁻⁶, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं तो −24, माइनस से प्लस पे आ रहे हैं तो क्यू डिवाइडेड बाय 2×10⁻⁶ इक्वल टू कितना? 0। किरचॉफ लॉ लगा दिया, किरचॉफ लॉ लगाया तो किस चार्ज की वैल्यू आ गई कितनी? क्यों कितना आ रहा है? कितने माइक्रो कूलम? 16 आ रहा है क्या?
16 माइक्रोकूलम, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 वोल्ट भी निकालना है ना, 8 वोल्ट। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? बता रहा हूँ मैं, 8 वोल्ट, तो क्योंकि आपको वी ए माइनस वी भी निकालना है, क्योंकि आपको वी ए माइनस वी भी, और वी ए जो है वो कमज़ोर बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और वी भी नेगेटिव बड़ी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो वी ए माइनस वी भी माइनस 60 मार्क करना पड़ेगा। हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाला 8 वोल्ट, वो बाद में डिसाइड होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ से बैटरी छोटी है, ये बैटरी बड़ी है, तो जब आप यहाँ से यहाँ आएंगे तो पोटेंशियल यहाँ से आते हुए ये बड़े पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड है या छोटे पोटेंशियल का कनेक्टेड है, छोटी बैटरी छोटा पोटेंशियल, बड़ी बैटरी बड़ा पोटेंशियल क्लोज रखेगी, तो वी ए माइनस वी भी माइनस 8 होगा, प्लस 8 नहीं होगा। ठीक है यहाँ तक, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा हमने नॉर्मली किया हुआ है, वी ए माइनस वी भी निकालना हैंड एंड शीट में किया था, इसमें किरचॉफ लगाने की जरूरत नहीं, ऐसी हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, एन नंबर ऑफ प्लेट्स हैं तो एन माइनस वन हो जाएगा इसमें। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी किया हुआ है, 500 वोल्ट वाला क्लोज है।